उन्नाव, कठुआ और सूरत में मासूमों के साथ हुए दुष्कर्म से लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। कानोड मुस्लिम समाज सिपाहियन मस्जिद पर एकत्रित होकर मौन जुलूस के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए कानोड पुलिस थाने पर पहुंचकर थाना अधिकारी गज सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आज पहली बार हाथ कांप रहे हैं, आपको पत्र लिखने में चलने से भी पैर डगमगा रहे हैं। मासूम और मजलूमों की चीख पुकार से मेरा महान भारत देश, जो ऋषि मुनियों और सूफी संतों का देश कहलाता है, यहाँ के महापुरुषों और क्रांतिकारियों ने अपने खून से इसको सींचा है, लेकिन कुछ सरफिरे हैवानों की करतूतों की वजह से आज हमारे देश और यहाँ की 125 अरब जनता को विश्व भर में शर्मसार होना पड़ रहा है। जिस तरह से हैवान हत्यारों ने शैतान के कारनामों को भी पीछे छोड़ते हुए गैंग रेप को अंजाम दिया है, आज उसका पूरे देश में आंदोलन के जरिए कड़ा विरोध हो रहा है। यही हमारी भारतीय संस्कृति और एकता का हिस्सा है। आप मुसलमानान कानोड भी कठुआ की मासूम पीड़ित परिवार एवं यूपी के उन्नाव में नाबालिग दलित लड़की के साथ खड़े हैं और आपसे मांग करते हैं कि दोनों घटनाओं के दोषी दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिससे बलात्कार की शिकार पीड़िता को सही इंसाफ मिल सके, साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार से मुआवजा भी दिलाया जाए। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं खास सुर्खियों पर।